आज पूरे देश के करोड़ों किसानों को पेंशन सुनिश्चित करने वाली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत इस झारखंड की बिरसा मुंडा की धरती से इसका प्रारंभ हो रहा है। इतना ही नहीं, देश के करोड़ों व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत भी झारखंड से हो रही है। मैं इस महान धरती से देश भर के किसानों और व्यापारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज मुझे साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन करने का सौभाग्य भी मिला है और हमारे मंत्री श्रीमान मनसुख मांडविया जी वहां बैठे हैं। संथाल परगना के बहुत लोग भी आज इस बड़े महत्वपूर्ण अवसर के वहां साक्षी बने हैं और ये प्रोजेक्ट सिर्फ झारखंड का नहीं, ये हिंदुस्तान को भी और दुनिया को भी झारखंड की नई पहचान देने वाला है। ये सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र को परिवहन का नया विकल्प दे रहा है। ये टर्मिनल नेशनल वाटरवे वन हल्दिया बनारस जलमार्ग विकास परियोजना का एक अहम हिस्सा है। ये जलमार्ग झारखंड को पूरे देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी जोड़ेगा। भाइयों और बहनों, चुनाव के समय मैंने आपसे कामदार और दमदार सरकार देने का वादा किया था। एक ऐसी सरकार जो पहले से भी ज्यादा तेज गति से काम करेगी, एक ऐसी सरकार जो आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। बीते 100 दिन में देश ने इसका ट्रेलर देख लिया है, अभी फिल्म बाकी है। भाइयों और बहनों, आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक है। आज यहां झारखंड विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण और सचिवालय के नए भवन का शिलान्यास भी किया गया है। राज्य बनने के लगभग 2 दशक बाद आज झारखंड में लोकतंत्र के मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। ये भवन सिर्फ एक इमारत नहीं है, 4 दीवारें नहीं है, ये भवन एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां झारखंड के लोगों के सुनहरे भविष्य की नींव रखी जाएगी। ये भवन लोकतंत्र में आस्था रखने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए तीर्थ स्थान है। लोकतंत्र के इस मंदिर के माध्यम से झारखंड की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के सपने साकार होंगे।